अस्सलाम वालेकुम मेरी बहुत ही प्यारी सी यूट्यूब की फैमिली, अल्लाह पाक खुश रखे आबाद रखे। इस प्यारी सी दुआ के साथ करते हैं आज की रेसिपी का आगाज़। आज जो रेसिपी किचन क्लोजअप में शेयर की गई है वो बहुत ही मज़ेदार किस्म का बादाम वाला दूध के साथ शरबत बनाया गया, जो कि बहुत टेस्टी बना है, बहुत फ़ायदेमंद है, बहुत इसकी अफादियत है। चलिए हम अपने किचन क्लोजअप में चलते हैं और अपनी बहुत ही प्यारी सी फैमिली के लिए, आप सब के लिए ठंडा ठंडा बादाम वाला शरबत तैयार कर। मज़ेदार किस्म का ठंडा ठंडा बादाम का दूध वाला शरबत बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए होगा मिल्क। मैंने लिया था 2 गिलास दूध और उसको मैंने यानी कि 1.5 गिलास कर लिया, इतना पका लिया ये देखिए। ठीक है, अब मैं इसके अंदर जो जो चीज़ें ऐड करूँगी, 1 पिंच ऑफ इलायची पाउडर, 1/4 कप कंडेंस मिल्क। बहुत मज़े का बनता है, बहुत टेस्टी होता है, ज़रूर आपने ये रेसिपी ट्राई करनी है। बादाम वैसे ही दिमाग के लिए बहुत अच्छा होता है। और इसके अंदर 1 टेबल स्पून भर के हम डाल देंगे बादाम का क्रश किया हुआ पाउडर। ये डाल देने के बाद इसको हमने पकाना है कोई 3 से 4 मिनट तक। और मज़ेदार किस्म का बादाम वाला दूध वाला हमारा शरबत तैयार हो गया, बहुत टेस्टी बनना है। ये देखें कितना थिक और कितना मज़ेदार सा बना है। इसको मैंने 3 से 4 मिनट और पकाया बस, ताकि बादाम और कंडेंस मिल्क का जायका इसमें और इन्हेंस हो जाए। चले अब हम इसे ठंडा करते हैं और डिश आउट करते हैं। बादाम का दूध वाला शरबत बहुत मज़ेदार बना है, बहुत टेस्टी है। अब हम इसे डिश आउट करते हैं। यक सा ठंडा ठंडा सा पिए, बड़ा मज़ा आता है गर्मी में। बादाम के बहुत फ़ायदे हैं और दूध के साथ जब इसका कॉम्बो मिलता है तो बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद हो जाता है। ये देखिए बहुत टेस्टी बना है। अब हम इसे ग्लास में सर्व करें। क्रश किए हुए थोड़े से बादाम डाल देंगे। देखिए कितना मज़ेदार सा बादाम का दूध वाला शरबत हमारा तैयार है। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो आपने लाइक शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलना और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करना है, ताकि आइंदा आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप फ्री में मेरी वीडियो इंजॉय कर सकें। चलें अपनी बहुत प्यारी सी दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।